हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाओ रिएक्शंस। मेरा नाम है राज और आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ कोक स्टूडियो सीजन 12 के सॉन्ग सैया पे, और इसको गाया है शुजा हैदर एंड रेचल ने। रेचल काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट रह चुकी है कोक स्टूडियो की। उसने एज अ बैकग्राउंड सिंगर बहुत सारे कोक स्टूडियो के सॉन्ग्स का एक्सपीरियंस को एनहेंस किया है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी हर इन द स्पॉटलाइट। आई नो कि शी इज़ ऑलरेडी वेरी फेमस, बहुत सारे फैंस हैं उनके, एंड उसने पहले भी कोई कोक स्टूडियो के सॉन्ग में लीड सिंगर का रोल प्ले किया है, बट आई एम ऑलवेज हैप्पी टू सी हर इन द स्पॉटलाइट। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, बिकॉज कोक स्टूडियो के सारे सॉन्ग्स पे मैं रिएक्ट करने वाला हूँ सीजन 12 के। सो नाउ लेट्स बिगिन। यार इनको इंट्रो म्यूजिक वापस लेके आना चाहिए, मजा आता था स्टार्टिंग में। ये इंस्ट्रूमेंट इतना सीरीन लगता है, हेवनली लगता है। अल्लाह जाने मेनू की पता, हर केड़ी हो गई ये खता। लख वार मनावा सोना यार बुला, क्यों चुप है बनेरे उते का। कदर ना तू दुनिया तो डर, क्यों दिल ते चलाया आ रिया। मुझे बहुत कुछ बोलना है लेकिन घर दे वेड़े आई टप टप गलियां लब दी पीरा मैं मल मल अखियां बेपरवा मैं इश्क च बंदियां बस तेरा मुख दिसे बाकी ते मैं अन्निया फिर आगे बाजार में मेनू जो पसंद आवे लवांगी हजार। ओया
ਸਾਸ ਕੀ ਕਸੂਰ ਮੱਥੇ ਲਾ ਲਿਆ ਫਤੂਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਏ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗਾ ओके सो मुझे ये बोलना था, एक्चुअली मुझे बहुत मन हो रहा था कि इस गाने के बीच में पॉज करके आप लोग को बताना था मुझे जो माइंड में था, बट मुझे पता है कि आप लोग को बिल्कुल पसंद नहीं जब भी हम लोग पॉज करते हैं कोई भी वीडियो को, स्पेशली सॉन्ग्स को, तो इसलिए मैं कंट्रोल कर रहा था खुद को। तो या शुजा हैदर, उनका जो डीप वॉइस है इस गाने को बहुत सूट कर रहा था, और इन दोनों का पैरिंग, जो रेचल और शुजा का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा था, उनका वॉइस एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से सूट कर रहा था। एंड रेचल ओवरऑल बहुत ही लाइकेबल पर्सन लगती है मुझे, शी इज़ वेरी करिश्मेटिक, और उनका सिंगिंग मुझे पर्सनली पसंद आया। आई एम नॉट श्योर आप लोग का क्या ओपिनियन है, एंड मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा इनके सिंगिंग पर कॉमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट पर्सनली मुझे बहुत मज़ा आया ये सॉन्ग सुनने में, एंड आई वुड टोटली लिसन टू इट अगेन। बट कोक स्टूडियो सीज़न 12 का कॉम्पिटिशन इतना स्ट्रॉन्ग रहा है, ये सीज़न इतना अमेजिंग रहा है कि आई डोंट थिंक आई कैन रैंक इट इन द टॉप 2 इस सीज़न के। ये बहुत अच्छा लगा मुझे सॉन्ग, बट स्टिल आई डोंट थिंक टॉप 2 में आएगा इस सीज़न के, क्योंकि वो ही खुदा है एंड बिल्लो, दीज टू आर गोइंग टू बी टफ टू बीट। ये दोनों आई थिंक मेरे लिए इस सीज़न के टॉप 2 सॉन्ग्स हैं। और आप लोग के फेवरेट्स कौन से हैं इस सीज़न के, कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे। और अगेन रॉन्ग मत समझो, मुझे ये गाना बहुत पसंद आया, बट स्टिल वो दोनों इतने अमेजिंग लगे कि आई डोंट थिंक वो टॉप 2 से इस सीज़न में, सीज़न एंड होने के बाद भी आई डोंट थिंक वो दोनों चेंज होने वाला है टॉप 2 स्पॉट से। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर टू सपोर्ट कोक स्टूडियो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, कोक स्टूडियो का सीज़न 12 इतना अमेजिंग रहा है अभी तक, तो आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए था, लेकिन स्टिल अभी भी चांस है, कर लो। एंड या अगर आपको और भी कोक स्टूडियो के रिएक्शंस देखने हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू, एंड आई विल सी यू वेरी सून, बाय।